So we were doing the chemical properties of alkenes, and yesterday we discussed about anti-Markovnikov rule. So what is there in this rule? हाँ जी, anti-Markovnikov rule में क्या है? रूल क्या है? कब? वेरी गुड. सो व्हेन एवर वी आर गोइंग टू एड HBr टू एनी ऑफ द अनसिमेट्रिकल एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, देन व्हाट विल हैपन? हाँ जी, व्हाट विल हैपन? आगे क्या होगा? द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम इट गोज टू कार्बन विद मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन. ओके, सो दिस इज अबाउट द anti-Markovnikov रूल. एनी डाउट टू एनीवन, यू कैन आस्क बेटा. क्लियर है ये रूल? आगे करें कि नहीं? चलो नेक्स्ट, राइट डाउन. एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इफ आई गेव यू दिस एग्जाम्पल of H2SO4, add करो बेटा H2SO4 की प्रेजेंस में. ये राघव अभी तो स्कूल में था, घर चला गया. हाँ जी बेटा, ऐड करो. जैसे लास्ट टाइम हमने एल्केन्स की रिएक्शन की थी, क्या किया था उसमें? हमने एलिमिनेशन की थी, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, इसको अगर मैं स्प्लिट करूंगी H2SO4 में, इट विल बी स्प्लिटेड एज H एंड SO, OH एंड SO3H, ठीक है? तो आपने एक तरफ OH ऐड कर देना है और दूसरी तरफ क्या ऐड कर देना है? SO3H, ठीक है? नहीं, इंस्टेड ऑफ एडिंग दिस ऐड दिस, क्योंकि लास्ट टाइम हमने OH ऐड किया था ना, इसमें हम जो है वो H और OH की फॉर्म में एडिशन कर रहे हैं. एक पॉजिटिव ऐड होगा, इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, एक न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा ना, तो दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस इज द न्यूक्लियोफाइल. तो एक तरफ आप H ऐड करोगे और दूसरी तरफ आप क्या ऐड करोगे? OSO3H, ठीक है? कितने प्रेजेंट है? हाउ मेनी प्रेजेंट? चलिए, डू द सेम रिएक्शन विद प्रोपीन. This is propene. Carry out the same reaction. हाँ जी, क्या आंसर आया बेटा?
Okay, where should I place H and where should I place OSO3H group? यहाँ पे और यहाँ पे H, ऐसे क्यों नहीं? Why not this? That should be according to the Markovnikov rule. ठीक है? So whenever you are having an unsymmetrical alkene in front of you, so always apply the Markovnikov rule. तो Markovnikov rule क्या कहता है? The negative part of the addendum, the adding species, it will go to that carbon which is having less number of hydrogen. तो इसके पास hydrogen कम है, इसलिए हमने negative part यहाँ पे लगा दिया और positive part यहाँ पे attach किया. Is that clear? ठीक है. Next write down same the hydration reactions. Addition of water, H2O. Same reactions करो H2O के साथ. Give me the answer. Do the same reaction with water. So, एक तरफ आपने H ऐड कर देना और दूसरी तरफ डू फॉर दिस ऑल्सो. हाँ जी डन बेटा. वेयर शुड आई ऐड OH? वेयर शुड आई ऐड OH? यहाँ पे या यहाँ पे? फर्स्ट और सेकंड पे? सेकंड पे. दैट इज अकॉर्डिंग टू दी Markovnikov रूल. तो अगर यहाँ पे CH3 है, यहीं पे आपका OH आएगा एंड हियर यू विल बी गेटिंग CH3. ठीक है जी. इज दैट क्लियर? Next, write down reaction with ozone. Reaction with ozone, and that reaction is known as ozonolysis reaction. Very, very important reaction. Now, what is there in this reaction? Whenever the alkenes they react with ozone, what is the formula of ozone? O3. कोई भी आपकी alkene है, when it is reacting with ozone in the presence of some inert solvent like CCl4, it will form an intermediate compound. ठीक है, intermediate means जो एक center में बीच वाला जो compound बनता है, okay? That it will form, and this intermediate compound is known as ozonide. क्या कहते हैं इसको? ओजोनाइड. और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? ओजोनोलिसिस रिएक्शन. ओके, अब हमने करना क्या है? जो दो कार्बन है आपके, आपने वो लिखने हैं. साथ वाले जो आपके ग्रुप्स हैं, यू विल कीप देम एज इट इज. ओके, बीच में जो डबल बॉन्ड है उसको एक ट्रायंगल की फॉर्म में तीनों ऑक्सीजन के साथ लगा देना लाइक दिस. ठीक है जी. क्लियर है? यहां तक क्लियर है? क्या किया मैंने? ये कार्बन लिखा, ये कार्बन लिखा, दोनों के जो आपके साइड सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो भी हमने अटैच कर देने हैं. बस इस कार्बन के साथ ये हमने ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच कर दिया. ओके, देन दिस ओजोनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, द रिएक्शन इट प्रोसीड्स इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक. तो हमने इसको तोड़ना है. अब द ब्रेकेज विल बी लाइक दिस.
गेटिंग, इस तरह ये जो ओजोनाइट है वो टूटेगा, वेयर दिस ऑक्सीजन इट विल बी टेकन बाय दिस जिंक इन ऑर्डर टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड प्लस. व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट टू टाइम्स सी डबल बॉन्ड, यही बनेगा. ये सी है, दो इसके साइड ग्रुप्स हैं और इस ओ को आपने डबल बॉन्ड ओ के साथ लगा दिया. इज दैट क्लियर, समझ आई रिएक्शन कैसे प्रोसीड हुई है. एल्कीन है, उसमें ओजोन ऐड किया CCl4 की प्रेजेंस में, एंड ओजोनाइट विल बी फॉर्म्ड इन विच यू हैव टू अरेंज दीज थ्री ऑक्सीजन लाइक दिस. ओके, फिर हमने इसको तोड़ना है ऐसे, वेयर दिस ऑक्सीजन विल बी टेकन बाय द जिंक टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड, और बाकी जो भी आपका बच गया है इन ऑक्सीजन के साथ आपने डबल बॉन्ड के साथ अटैच कर देना. नाउ हेयर देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, ये तो मैंने आपको जनरल रिएक्शन बताई है. ओके, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज कि या तो यहां पर हाइड्रोजन हो या यहां पर मिथाइल ग्रुप्स लगे हो सकते हैं. जब ये टूटेगा तो ये कुछ ऐसे टूटेगा, When this will break like this. तो फिर यहाँ पे आपके ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेम नहीं आएंगे. CH3, CH double bond O. What is this? Ethanol, ethanol हो गया ये. दूसरा क्या बनेगा? HCHO. दूसरा क्या बन गया? मिथेनल बन गया, मिथेनल बन गया ना. तो यानी कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन दीज साइड ग्रुप्स कि आपके पास क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन है. ओके, अगर मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन ना लगा के दोनों मिथाइल ग्रुप कर दूं, आर सी ओ आर, व्हाट इज दैट? कीटोन्स. यहाँ पर जो आपका एक मैंने ग्रुप ऐड किया है हाइड्रोजन की जगह एक एल्काइल ग्रुप ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया? कीटोन बन गया. तो यानी कि इसमें आपके एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनेंगे डिपेंडिंग ऑन योर एल्काइल ग्रुप्स. ठीक है, सो डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट के साथ हम डिफरेंट डिफरेंट जो है वो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो है वो जनरेट करेंगे. इज दैट क्लियर, रिएक्शन समझ आई है कैसे करनी है? ठीक है, नाउ राइट डाउन द सेम रिएक्शन. यहाँ पे वाटर भी ऐड कर लो कंडीशंस के लिए. नाउ राइट डाउन द सेम रिएक्शन विद इथीन फर्स्टली एंड गिव मी द प्रोडक्ट. इथीन के साथ रिएक्शन करो और मुझे प्रोडक्ट दो. डू द सेम रिएक्शन विद इथीन. What is the product, beta? सेम रिएक्शन है, बस आपने हर जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा देने. क्या बना है? CH2O. What is CH2O? CH2O कोई फॉर्म है आपकी? मैंने बोला एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बनने हैं, तो उसको एल्डिहाइड की फॉर्म दो. कौन सा है? मिथेनल. सो यू विल बी गेटिंग टू मॉलिक्यूल्स ऑफ
methanol. Yahi bana. You will be getting two molecules of methanol. Now do the same reaction with propene. Do the same reaction with propene. और अब कोई ब्लैकबोर्ड पे भी आएगा. टेस्ट याद है ना नेक्स्ट वीक का. एल्केन्स फुल. मुझे दोबारा दोबारा याद ना करवाना पड़े. और इस बारी जिसका टेस्ट गंदा हुआ ना फिर देख लो. एल्केन्स एल्केन्स पूरा फिजिकल प्रॉपर्टीज प्रेपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. चलिए डू द सेम रिएक्शन विद प्रोपीन. कौन सा तीसरा कार्बन. आपने सिर्फ डबल बॉन्ड वाले देखने हैं. यहाँ पे जो आपने दो कार्बन लगाने हैं वो सिर्फ डबल बॉन्ड वाले कार्बन लगाने हैं. बाकी सारे साइड ग्रुप्स में वो साइड है. साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट है. Done. हाँ जी नमन डन. आपने रजिस्ट्रेशन कर ली थी. कर ली हुई रजिस्ट्रेशन. मुझे फाइनल कंफर्मेशन का मैसेज भेज देना. आजा जल्दी कोई बात नहीं. आओ बेटा. रिएक्शंस पे जितना हाथ खोलोगे ना उतना डर कम लगेगा. ये देख लो यहाँ पे प्रोपीन का स्ट्रक्चर बनाओ पहले. बाकी सारा रब कर दे. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन. इतने डबल बॉन्ड्स. अच्छा बाकी हाइड्रोजन्स भी लगाओ. छोड़ने थोड़ी ना हमने. स्ट्रक्चर ठीक है. ये बेचारे को तीन पे छोड़ा हुआ है आपने. हाँ ये वाला नहीं. देखो खुद देखो कौन सा है. किस कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं की आपने. बनाओ आगे ओजोनाइड. बेटा ऑक्सीजन कहाँ लगानी है. चलो दो. हाँ जी द ओजोनाइट विल बी लाइक दिस. ओके देन वी विल डूइंग द क्लीवेज. After cleavage, what you will get? CHOH. Okay? That is HCHO.
इथेनॉल बनेगा, और एक आपके पास क्या आएगा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच, दिस इज इथेनॉल, इथेनॉल एंड मीथेनॉल बना. ओके, अब इस रिएक्शन की सिग्निफिकेंस क्या है? सेकंड वाला कैसे आया? ये सी एच थ्री सी इसके साथ डबल बॉन्ड आएगा, ये वाले ऑक्सीजन के साथ हमेशा हमने डबल बॉन्ड लगाना है, और एक एच सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ. अब देखो इस रिएक्शन का यूज क्या है और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिएक्शन. अगर आपके पास दो एल्डिहाइड ग्रुप्स हैं, यू कैन प्रिडिक्ट द एल्कीन फ्रॉम देम. कैसे? ये जो आपके दो ग्रुप्स हैं इनको मैं अरेंज करके ऐसे लिख सकती हूँ, कैन आई राइट दीज बोथ ग्रुप्स लाइक दिस. तो ये भी मिथेनॉल ही, तो ये भी इथेनॉल ही. मैंने दोनों को ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है वो इकट्ठे इकट्ठे कर दिए. ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने इन दोनों ऑक्सीजन को रिमूव कर देना है अलोंग विद दिस वन डबल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड ही होता है. ठीक है, तो एक ऑक्सीजन अपना बॉन्ड लेके जाएगा, दूसरा वहीं पर छोड़ के जाएगा. व्हेन दिस विल हैपन व्हाट यू विल गेट, अ स्ट्रक्चर लाइक दिस. ऐसे ही बनेगा कुछ, जिसमें से मैंने इतना जो मॉलिक्यूल है वो बाहर निकाल दिया है. तो डायरेक्टली इन दोनों को जोड़ो, एच सी एच डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली ये वाला कार्बन जुड़ जाएगा सी एच थ्री एंड एच. यही थी आपकी स्टार्टिंग एल्कीन. इज दिस प्रोपीन? यही थी आपकी स्टार्टिंग एल्कीन कि नहीं? तो डैट मीन the significance of ozonolysis reaction is that we can predict the starting alkene from the products formed. तो आपके पास दो चीजें हैं, दो aldehyde या ketone group हैं, तो उनसे आप starting alkene जो है वो predict कर सकते हो. Okay, clear है? Okay, write down the reaction of 2,3-dimethylbut-2-ene. 2,3-dimethylbut-2-ene. इसका स्ट्रक्चर लिखो पहले. टू थ्री डायमिथाइल ब्यूट टू ईन, राइट डाउन इट्स स्ट्रक्चर, डू द ओजोनोलिसिस रिएक्शन ओवर इट, राइट डाउन इट्स स्ट्रक्चर एंड डू द ओजोनोलिसिस रिएक्शन ओवर इट. 2,3-dimethylbut-2-ene हो गया जैकलिन. हाइड्रोजन्स Thank you.
जस्ट गिव मी द प्रोडक्ट्स क्या बनेगा